जो शैतान ने ये शरीर के रीढ़ की हड्डी के रोग लाया आ, मैं उस रोग लाने वाली आत्मा नू मैं ठांडदा यीशु मसीह के नाम के बहन का नाम निम्मो है और जे अमृतसर प्रतापपुर गांव के रहने वाले हैं और इनकी गवाही जे बता रहे हैं कि 10 साल हो गए इनकी बैक पेन इनके रीढ़ की हड्डी के जो मनके हैं जे बता रही कि उनमें बहुत ज्यादा दर्द निकलती थी और जे बता रहे कि 10 साल से जे बहुत ज्यादा मेडिसिन खा रहे थे पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। डॉक्टर इनको कहते थे कि हो सकता है जो आपकी रीढ़ की हड्डी के मनके उसमें दब आ गई है इसके कारण जे दर्द होती है और कोई डॉक्टर कहता था कि जो रीढ़ की हड्डी की नाड़ी है वो ब्लॉक है। जब बता रही कि सही तरह से डॉक्टरों को भी पता नहीं चल रहा था कि ये प्रॉब्लम ये दर्द क्यों हो रही है और जिसके कारण उन्होंने बहुत ज्यादा मेडिसिन खा रहे थे पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जब बताते जी घर का काम तो करते थे पर मेडिसिन खाकर ही करते थे क्योंकि बहुत ज्यादा दर्द निकलती थी जिसके कारण जो भारी काम करते थे पर जो बता रही कि बहुत ज्यादा तकलीफ में थे क्योंकि जे बहुत ज्यादा ही परेशान हो चुके थे 10 साल से इस प्रॉब्लम में थे। और जे बता रही कि जैसे ही जे सिस्टर पिछले मंडे की मीटिंग में फर्स्ट टाइम आए थे और उस दिन पर्सनल मीटिंग प्रभु के दास जैसे करते हैं तो जे बहन भी आई थी उस मीटिंग में और जैसे ही इन्होंने अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताया और प्रभु के दास ने इनको उत्साहित किया क्योंकि इनको ज्यादा कुछ नहीं पता कैसे विश्वास करना है और जैसे इनके लिए प्रेयर की गई अभी हम उस वीडियो क्लिप को देखेंगे। थैंक यू जीसस पवित्र आत्मा जो शैतान ने इहदे शरीर दे विच इहदे रीढ़ दी हड्डी दे विच इह रोग लाया आ, मैं उस रोग लाने वाली आत्मा नू मैं ठांडदा यीशु मसीह तेरे नाम दे विच कि ओ बीमारी देने वाली आत्मा इहदी रीढ़ दी हड्डी नू छड्डे और जाए। The name of Jesus, वो इसे समय वो शैतान और बीमारी देने वाली रीढ़ की हड्डी नू देने वाली आत्मा जो इसे शरीर च दे अंगा च छिपके बैठी है यीशु मसीह मैं डांटदा तेरे नाम दे विच मैं डांटदा तेरे नाम दे विच वो शैतानी आत्मा इसकी रीढ़ की हड्डी नू छड़ के जाए। The name of Jesus, मैं कमांड करदा प्रभु मैं कमांड करदा तेरे नाम दे विच मैं कमांड करदा मैं आख्या करदा यीशु तेरे नाम दे विच तर देन वाली रीढ़ दी हड्डी दे विच बैठी आत्मा निकले और छाए। द नेम ऑफ जीसस शैतान तुझे मैं डांटता हूं उसकी बॉडी से निकल तेरे नाम से पूरी तरह से इसके जिस्म से इसकी बॉडी से मैं तुझे बार करता हूँ मैं बार करता हूँ फ्री इन द नेम ऑफ जीसस बी हील बी फ्री। इनके लिए उस दिन पर्सनल मीटिंग में प्रभु के दास ने इनके लिए प्रेयर की और जे बता रहे कि उस दिन से प्रभु की ग्रेस ने इनको शुआर जैसे इनको बताया गया था कि आपने धन्यवाद करते रहना है और जितना इनको पता था जी विश्वास करते रहे धन्यवाद देते रहे और जे बता रहे कि जो बहुत ज्यादा दर्द थी 10 साल से जे जो बहुत ज्यादा जे बता रहे कि घर से जब भी काम करते थे चल फिर नहीं सकते थे और इनके इन्होंने बताया कि उसके बाद जे नेक्स्ट अगले दिन ही इनके छोटे बच्चे इनके पोतरे हैं जिनको जी स्कूल छोड़ने के लिए गए जो काफी दूर जे बता रहे इनके गाँव से काफी दूर पड़ता है 5-6 किले जे पैदल चलकर ही जाते थे पर जे बताते कि जे रास्ते में 3-4 बार रुक जाते थे सांस लेकर जाते थे क्योंकि दर्द के कारण इनसे चला नहीं जाता था पर जैसे इनके लिए प्रेयर हुई उस दिन से जे बता रहे कि जो 2-3 दिन लगातार अभी रास्ते में एक दिन भी इन्होंने सांस नहीं ली रुके नहीं बिना रुके जे स्कूल छोड़ने भी गए और वापिस भी आए कोई दर्द नहीं हुई नहीं तो जे थोड़ा भी नहीं थे चल सकते और जे परमेश्वर का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने इस दर्द से इनको फ्री किया है और प्लस ये बता रही कि इन्होंने घर में काफी भारी काम भी किया उसके बाद ये बताते पहले इनको मेडिसिन लेनी पड़ती थी अभी इन्होंने उस दिन से कोई भी मेडिसिन नहीं खाई तो आज परमेश्वर ने पूरी तरह से इस दर्द से इनको फ्री कर दिया है। हम सब तारीफ करेंगे कलीसिया। सुनो अभी आपको उठने बैठने में कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ नहीं पापा जी। हाँ नहीं
दिखाओ लोगों को, उठकर बैठकर झुककर दिखाओ, आगे हो जाओ थोड़ा सा, पीछे सीढ़ी है, उठो 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 उठो, नहीं झुको झुको झुक झुक कर दिखाओ, आओ सीधे सीधे झुको, सीधा सीधा झुको, हाँ हालेलुया। सुनो, 10 साल से, अरे ये प्रॉब्लम रीढ़ की हड्डी की, थोड़ा बताओ नी क्या प्रॉब्लम थी रीढ़ की हड्डी में, क्या चीज की? हाँ जी, जिथे जाइदा है ना वो आंदे को चर्बी वधी आ, कोई आंदा ही फिर नाड़ा बुलाओ क्या, ते कोई को कहिंदा कोई को कह देंदा ही। और 10 साल हो गए अभी? हाँ जी 10 साल हो गए जी। इस प्रॉब्लम में आपको चलते हुए 10 साल हो गए? हाँ जी। और मेडिसिन खा रहे थे, बहुत जगह गए, कुछ नहीं हुआ? हाँ जी, बहुत दवाई खाती है, मलाया भी बहुत ज्यादा, पर नहीं अरमान नहीं आया, दवाई लगी नहीं है। आप मंडे पहली बार आए थे? हाँ जी। ये मंडे की मीटिंग पहली बार आए थे? मंडे की जो पर्सनल मीटिंग में करता हूँ ना, ये मंडे की मीटिंग में पहली बार आए? क्या है, पहली बार आए? पहली बार देखो, खुदावंद ने पहली बार इशू हुआ, बोले क्या किया, परमेश्वर ने पहली बार इशू हुआ। ये 10 साल का, बोलो क्या है, ये 10 साल का जो बीमारी का कर्ज था, खुदा ने चंद मिनटों में खत्म किया, चंद मिनटों में। अरे छोटी बात नहीं है, ये झुक नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, चलने में बड़ी दिक्कत थी, कोई घर का काम नहीं है, अभी ये बच्चों को पहले भी छोड़ने जाते, हाँ ये कहते हैं आज 5-6 किले, मे भी 5-6 किले 1 किलोमीटर के करीब हो जाएगा। हाँ हाँ नहीं, 1.5 किलोमीटर है ना, 1 मीटर के करीब करीब। हाँ अभी आराम से ये जा रहे हैं, कोई सांस लेने की जरूरत नहीं है, पहले ये छोड़ने जाते 3-3, 4-4 सांस लेनी पड़ती, तब अब कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दुख नहीं है, अभी कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ जी। कोई हाँ कुछ जी, नहीं है? हाँ जरा से भी आपको जो दर्द होती रहती थी? हाँ जी, पहले बहुत ज्यादा होती, मैं बाथरूम नहीं कीता जांदा ना, लैटरिन नहीं कीती जांदी। अच्छा, बाथरूम लैटरिन जब आप जाते तब भी प्रॉब्लम थी? हाँ जी, बहुत दर्द, बहुत परेशान होते थे। हाँ जी, दर्द होती थी, बैठा भी नहीं जाता था। हाँ जी, इधर कोई डॉक्टर ना, कोई मिलाने वाला, इधर ना कोई दर्द आके, बड़ी दूर तक हम घूमाए, नहीं हर पी नहीं फर्क नहीं पैंदा। ओ बड़ी बड़ी दूर दूर ये इस प्रॉब्लम के लिए घूम आए, बोले क्या है, ये इस प्रॉब्लम के लिए बड़ी दूर दूर घूम आए भाई, और वो भी अभी मंडे की मीटिंग में आए सिर्फ। देखो परमेश्वर सच्चा है, बोलो क्या है, वो सच्चा है, उसने आपसे सच्चा लव किया है, सच्चा प्रेम किया है, अगर किया ना होता तो ये 10 साल की जो बीमारी है चंद मिनटों में खत्म ना होती। हाँ चंद मिनटों में खत्म, चंद मिनटों में ना खत्म होती। जब मैंने उस दिन ये बोल रहे थे कि अब चर्च कितनी बार, चर्च कहाँ कहाँ गए, एक ही चर्च में गए, नहीं किसी का नाम लेने ना। हाँ जी, एक ही चर्च के गए, दो में गए, दो हफ्ते गई हैं। अच्छा बस 2 हफ्ते गए एक चर्च। हाँ जी, उसके अलावा तो नहीं ना गए किसी? नहीं नहीं लाता नहीं गए। ठीक है, कोई बात नहीं, वीरवार इतने आए हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, वीरवार की मीटिंग है ना, तो समझ आ रही मेरी बात। तो खुदा की ग्रेस ने शुआ, उसी दिन ही चंद मिनटों में, मैंने नहीं कहा चेक करो, उसी दिन हो गया था काम। हाँ जी हाँ जी, उसी दिन खुदा ने शू लिया और चंगा कर दिया और आज आपके सामने। अब मेरे को खलोता नहीं जाता था, एक मिनट भी नहीं खलोता नहीं। अब चलने में कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं नहीं। दिखाओ लोगों को, चलकर दौड़कर दिखाओ, थोड़ा चलकर दिखाओ, तो शर्माना नहीं, फिर दौड़कर दिखाओ खुदा की महिमा, कि हमारा परमेश्वर सच्चा है। दौड़ो दौड़ो दौड़ो, खुदा खबर हर पल दी, ना कर परवाह किसे गल दी, ओ रख दा खबर हर पल, ओ मेरा खुदा है, ओ जिंदा खुदा है, ओ मेरा खुदा है, जिंदा खुदा। कौन है, बोलो ऐसे काम कौन करता है? अरे 10 साल की ये रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम थी, इस दर्द से ये इतना परेशान थे, कोई कहता चर्बी जमी है और कोई कहता नाड़ियां का गुच्छा,
यही कह रहे थे ना, नाड़ियों का गुच्छा वो, हाँ जी हाँ जी, ब्लॉक हो नाड़ियों, नाड़ियों नाड़ियां ब्लॉक होगी। देखो सब कुछ किसने कर दिया, किसने नाड़ियों को खोल दिया, किसने ये बड़ा काम किया है। अपने दोनों हाथों को उठाकर उस डॉक्टर जीसस के लिए तारीफ करो, जोर से जोर से जोर से। अपने पड़ोसी को बोलो आज, बोलो अपने पड़ोसी को ये किसी बात की परवाह मत कर। तेरा खुदा है जिंदा खुदा है, मेरा खुदा Amen.